नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसबीसी क्लास। तो आपकी ये आ गई है ईएमसी की वर्कशीट और मैं कई बार बता चुका हूँ ये आखिरी वर्कशीट है। क्यों है, कैसे है, इसे पढ़ेंगे और आसानी से पता चल जाएगा। और टॉपिक क्या दे रखा है, विश्लेषण करके सीखना, एनालाइज एंड लर्न। ठीक है, अच्छी बात है। और ये कितने पेज की एक बार देख लेते हैं, ये दो तीन पेज चार पेज, तीन पेज चार पेज, लेकिन जाते वक्त इन्होंने पाँच पेज, लेकिन है छोटी सी, एक पेज दो पेज तीन, अरे तीसरा पेज यहाँ पे, तीन पेज फिर चार पेज फिर पांच पेज। ठीक है ठीक है, उतना मुश्किल वर्कशीट नहीं है, लेकिन बस पेज ज़्यादा है, लेकिन है काफ़ी इजी। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, कि शायद ईएमसी के साथ साथ बाकी वर्कशीट का भी खात्मा हो जाए। तो पहले पेज के हिसाब चलते हैं। पहले पेज पे हेलो दोस्तों, दोस्तों विद्यार्थियों बच्चों, प्यारे बच्चों, उम्मीद है स्कूल खुल जाने से आप सबको अच्छा लग रहा होगा। लेकिन बच्चे अगर यहाँ पे बोलने वाला तो बच्चे कहते हैं हाँ हाँ वर्कशीट भेज रहे हो और अच्छा भी लग रहा है, डबल डबल काम करना पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, उम्मीद है स्कूल खुल जाने से आपको अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल जन्नत जैसी फीलिंग आ रही बच्चों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ईएमसी बड़ी, जो समझ रहे हो ना, ईएमसी बड़ी हाजिर हूं इस सत्र की आखिरी वर्कशीट के साथ। चलो, दो पल की दास्तां थी ये, कहां तुम कहां बच्चे तुम कहां। ठीक है, वर्कशीट का एंड हो गया। चलो देखते हैं अब क्या होता है आने वाले समय में। अब क्योंकि आपके स्कूल खुल गए हैं, दो पल की बात थी, अब स्कूल खुल गए हैं, अब रोज़ स्कूल ही जाना है। अब क्योंकि आपके स्कूल खुल गए हैं तो अब हम एग्ज़ाम के बाद स्कूल में ही मिलेंगे। एग्ज़ाम के बाद, देखो एग्ज़ाम के पहले पहले नहीं, एग्ज़ाम हो गए तभी आपसे ईएमसी वाली मैडम या ईएमसी बड़ी आपसे मिलने आएंगी। काश मैं सीबीसी क्लास के राहुल सर भी आ पाते, मतलब कि मैं। ठीक है चलो, किसी वैसे किसी दिन प्राइवेट में मिलेंगे बच्चों को, आओ कभी लाल किले पे, है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं इस लास्ट और अंतिम वर्कशीट को, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। क्योंकि यह इस अकादमिक सत्र की आखिरी वर्कशीट है, पहले हम अपनी और अपने परिवार की कुछ अचीवमेंट्स और स्ट्रेंथ मतलब पावर जो होती है को लिखते हैं, जो हमने कोविड के समय ऑब्जर्व की। ठीक है, कुछ एक्टिविटी है जो आपको अपने घर वालों के साथ करना है। दूसरा है, इसके लिए आपको अपनी और अपने परिवार वालों की पीठ पर एक कागज टेप से लगाना है, एक कागज इस प्रकार जैसे दिखा रखा है छोटी बच्ची जिस फर्ज करने वैसे पीठ पर लगाना है, और फिर बारी बारी से एक दूसरे की इच्छाओं और स्ट्रेंथ्स को उस पर लिखना है, उनकी पीठ पर लिखना है कि इनकी क्या पावर है, क्या इच्छा है, क्या शक्तियाँ इनकी खासकर। लिख देने के बाद यह कागज आप निकाल कर पढ़िए और अपनी सारी खूबियों को याद रखिए, ताकि आपके सामने जब कोई चैलेंज आए तो आप अपनी इस इनके आधार पर, अपनी इस स्ट्रेंथ के आधार पर अपना कॉन्फिडेंस से सामना कर पाएं। जैसा अगर आप, मैं रामायण को उदाहरण दूं, जैसे हनुमान जी जब आपके वो समुद्र किनारे खड़े थे, उनके पास पावर थी लेकिन उनको पता नहीं थी, लेकिन जामंत ने उनकी पावर और बाकी सेनाओं ने उनको याद दिलाया कि हनुमान जी अब पवन पुत्र हो, आपके पास ऐसी ऐसी पावर और स्ट्रेंथ है, तब उनको पता चलता है, फिर अपनी शक्तियों के बारे में जागृत होते हैं, फिर उनके सामने जो छोटी, जो पहले बड़ी चुनौती लग रही थी, और वो पिद्दी सी चुनौती लगने लगी, और एक ही छलांग में वो श्रीलंका पहुंच गए थे और रावण की जो वाटिका थी, अशोक वाटिका का तहस नहस करके वापस आ गए थे। मतलब गलती तो रावण की ही थी ना, लेकिन कहने का मतलब यहां पर देखो, अपनी स्ट्रेंथ अगर पहचान के रखो तो किसी भी मुसीबत आपके पास आएगी तो आप उसमें कॉन्फिडेंस रहता है, अरे यही तो है, इसको तो हम झेल लेंगे, इसको तो कर लेंगे, ये तो साइड का काम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमेशा आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में मालूम होना चाहिए। तो यही एक्टिविटी करनी है आपको घर वाले के साथ, उसके पीछे इस प्रकार बनाना भी है जिस प्रकार से छोटी बच्ची बना रही है। आखिर वर्कशीट में हम ये सोचते हैं कि हमने पिछले साल ईएमसी में क्या क्या सीखा। पिछले साल बहुत सारी वर्कशीट सीखी बच्चों, वर्कशीट एक तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, अगर मैं आपको दूसरे YouTube चैनल में दिखाऊं तो अंदर जाके अगर प्लेलिस्ट में आप देखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे जहाँ पे ईएमसी की वर्कशीट होगी आपकी, ठीक है,
जहाँ पे आपकी ईएमसी की वर्कशीट, यदि ईएमसी की वर्कशीट देखेंगे यहाँ से 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19 यहाँ पे छूट गया क्या, यहाँ पे लिखना था ये दोनों छूट गया, नहीं लिखा है छोटा सा 18, 19, 17, ठीक है 16, 13, ठीक है 12, आपकी 11, 9, 10, ठीक है 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है लास्ट में आपकी ये दूसरी वर्कशीट है। ठीक है ये आपकी मैंने साथ के साथ आपका बनाया भी था, आपको याद भी होगा, प्यारे बच्चे ने बहुत मेरे साथ के साथ बनाया भी था। ठीक है तो इस हिसाब से, और देखो काम को करते करते सीख, देखो पहले ईएमसी की देखो जो थंबनेल किस प्रकार से बनाया करता था मैं, धीरे 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 अपडेट होते होते इस प्रकार से बनाने लग गया। ठीक है धीरे धीरे इस प्रकार से बनने लग गई, तो कर काम को करना भी होता है साथ के साथ सीखना भी होता है। ठीक है तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है आखिरी वर्कशीट में हम ये सोचते हैं कि हमने पिछले साल ईएमसी में क्या क्या सीखा और कैसे सीखा। आप सोच रहे होंगे क्या सीखा, तो आसान है ना, आसान है, पर कैसे सीखा, इसे कैसे सोचे, चलिए इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए आइए कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। आप नीचे दिए गए किसी भी एक सवाल के बारे में सोच सकते हैं, या इनके अलावा अपने किसी भी रुचि के बारे में भी सोच सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग, डांसिंग आदि। अच्छा देखो इंग्लिश में नाचना, गाना, तैरा, तैराकी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हो इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई बात नहीं। पेज नंबर एक यहाँ पे आपका प्यारे बच्चे समाप्त हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस ये एक्टिविटी करनी थी, कर लीजिएगा, काफ़ी मजा आएगा। और पेज नंबर दो पे अब देखो ये रहा, सबसे पहले पेज नंबर दो पे आ गए हम, पेज नंबर दो यहाँ से शुरू हो गया। इस वाले में क्या है आपका, आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा, भैया गिर पड़ के सिरते हुए कोई धक्का मार रहा था, हम पीछे बैठे थे, इस प्रकार सीखा। आपने पेंटिंग करना कैसे सीखा, धीरे धीरे सीखा, किसी ने बताया, बड़ी सिस्टर ने बताया, छोटे भाई ने बताया, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपने खाना बनाना कैसे सीखा, खाना बनाना तो अभी तक नहीं सीखा भैया ढंग से, जब से मम्मी गाँव गई है तब से खुद ही चल रहा है, बस जंक फूड पे चल रहे हैं आपके सर। ठीक है तो ठीक है, ये भी सीखना जरूरी है, सीखना चाहिए, देखो आज अगर सीखा हो तो काम आता। नीचे दिए गए गोलों में सीखने के अलग अलग तरीके लिखे हैं, आपने जैसे भी सीखा है उस उन ऑप्शन को चुनिए, बार बार करके ट्रायल और एरर से, बिल्कुल ये बेस्ट तरीका है प्यारे बच्चों। और इसी से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, साइकिल चलाना, फ़ोन चलाना, यूट्यूब तक बनाना इसी से सीख रखा है, जो मैं छोटी छोटी अपनी गलतियां हो रही थी यूट्यूब चैनल शुरू में बना बनाने, तभी तो मैंने आज इतना बना बनाया, और तभी तो प्यारे बच्चों आपका सपोर्ट मिला। मैं तो इसी पर टिक करना चाहूँगा, पहले वाले पे ही, एक ही बार में ट्राई करने से, नहीं नहीं ये तो आपका तुक्के वाला काम होता है, एक बार में कहाँ से आ जाता है, एक बार में तो हमको लगता है वाह मैं तो अंडर टैलेंट है, लेकिन उसे और निखारने के लिए बार बार कोशिश करते रहना चाहिए, किसी और को देखने से। हाँ हो सकता है आपने ऐसे भी सीखा, और उसे वो देख वो ऐसा कर रहा है, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, लो आप भी ऐसे करने लगे, इस प्रकार से सीख सकते हैं, गलतियों से सीखकर। हाँ गलतियों से ही इंसान सीखता है, याद रखना इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन गलतियाँ इतनी मत करो कि तुम सीख ही नहीं रहे हो, हैं गलतियाँ कर सीखने के लिए गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है गलतियाँ कर रहे हो, गलतियाँ कर रहे हो, चलो ऐसे नहीं होता, गलतियाँ कर रहे हो तो उससे आपको सीखना भी होता है, उसे भी सीखना भी, किताब पढ़कर तो बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत सारी चीज़ सीखते हैं प्यारे बच्चों, आप भी सीख रहे होंगे, किताब में बहुत सारी चीज़ लिखी होती हैं, दूसरों से फीडबैक लेकर, बिल्कुल दूसरों से फीडबैक लेकर भी सीखा जाता है। कई बार अगर आपने देखा होगा, मैं भी बताता हूँ मेरी वीडियो में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, कुछ हैरा रहा तो उसे बताइए मैं उसे ठीक करता हूँ। ठीक है दूसरों से भी सीखा जाता है, लेकिन ये मुझे बेस्ट लगा, मैं इसी पर टिक करूँगा, बार बार करके ट्रायल और एरर से। ठीक है आगे आते हैं, सीखने में बहुत सारे तरीके होते हैं, सीखने के बहुत सारे तरीके, बहुत सच में बहुत सारे तरीके होते हैं, किताब से, इंटरनेट से। अब आज तो इंटरनेट, मतलब किताब तो मैं सेकंड पर रखूँ, सबसे पहले इंटरनेट, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है इंटरनेट पे सर्च कर लो, कोई भी प्रॉब्लम आपको इंटरनेट पर सर्च, सब कुछ मिल जाएगा, सॉल्यूशन तक मिल जाते हैं हर एक चीज़ का, लेकिन हौसला और दम आपका होना चाहिए। समझ में आया प्यारे बच्चों, किताबों से, इंटरनेट से, दूसरों से ऑब्जर्व करने से, बिल्कुल दूसरों से, कई बार देखो ये स्मार्टनेस होती है, किसी ने महापुरुष ने कहा था दूसरों की गलतियों से भी सीखना शुरू करो, वरना खुद गलती करोगे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, समझ लो, दूसरों की गलतियों से भी सीखना शुरू करो, अगर खुद गलती कर सीखोगे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी। ठीक है तो काफ़ी सही बात है, दूसरों को ऑब्जर्व करो क्या उसने गलती की क्या नहीं की, उससे आपको उससे भी सीखना चाहिए। इन सभी को साथ साथ आजकल की तेजी से बदलती दुनिया, भाई साहब 3G 4G 5G देख रहे हो, बहुत तेज़ी से बदल रही है, बदलती दुनिया में सीखने का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है, और
वो है खुद के अनुभव से मिली सीख से सीखना। बिल्कुल खुद के अनुभव से जो भी आपको मिल रहा है उसे हल्के, मतलब जो भी आपके साथ बीत रहा है बच्चों उस चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसे आप अनुभव बनाओ अपना। मैं कह रहा हूँ ना खुद के अनुभव से सीखोगे तो लाइफ कम पड़ जाएगी, समझ रहा हूँ मैं, लेकिन जितना भी आपको मिल रहा है उसे सीखो क्योंकि वो आपका ठोस और आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि आपने देखा ऊपर दिए गए सभी काम आपने खुद बार बार कोशिश करने और उस पर प्रयास मिलने वाले अनुभव से सीखे होंगे। बिल्कुल इस पर बार बार प्रयास किया, बार बार एरर आई, प्रॉब्लम आई, उसी से हमने इस चीज़ को सीख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ख़त्म हो जाती है। आइए अब इस बात को समझने के लिए रिफ्लेक्टिव गतिविधि करते हैं। अब देखो यहाँ तक तो अभी कुछ लिखना नहीं था, बस वही आपको एक ऑप्शन करना है। रिफ्लेक्टिव करना मतलब अब अपने किसी अनुभव के बारे में समय निकाल कर सोचना और उससे हमने क्या सीखा वह समझना। अनुभव से हमें अपने बारे में सकारात्मक और सुधार करने दोनों ही बिंदु मिल सकते हैं इस गतिविधि को करने के लिए। ठीक है, गतिविधि करने हैं। पेज नंबर 2 यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। पेज नंबर 3 की तरफ आते हैं। ठीक है, तो आपके 2 चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, या तो आपको ये करना है या तो ये, मैंने दोनों भर दिया है। EMC की कोई गतिविधि चुनिए जिसे करने में आपको बहुत मजा आया। एक ऐसी गतिविधि थी जोखिम उठाने वाले में गतिविधि थी ना, उसे करने में मुझे बड़ा मजा आया था। ठीक है, उसमें कहा था एक कुछ टास्क था आपका, उसे करने में मुझे बड़ा मजा आया, जो EMC वर्कशीट 25 थी। टेक रिस्क आपका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सूझबूझ के करने का तरीका, ठीक है, किसी से मतलब बात करने का तरीका, पहल, ठीक है, आपका अलग अलग तरीका हो सकता है। आपको जो भी एक्टिविटी करने में मजा आया वो आप लिखिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, याद रखना, जो मैं ये EMC वर्कशीट करा रहा हूँ ना, जो मैं EMC वर्क में ढक इसी वजह से था कि अब ध्यान दो इस बात पर, मैं EMC वर्कशीट जो भी करा रहा हूँ ये मेरे अपने अनुभव हैं, आपको अपने अनुभव लिखने होते हैं, ताकि मेरे एक फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए दे रहा हूँ मैं, आपको अपने लिखने होंगे। ठीक है बच्चों, हमेशा बार बार इस बात पर ध्यान रखना। लास्ट कम से कम ये वाली तो अपने आप से भर देना। EMC के अलावा कोई ऐसा काम जो आप कुछ समय के समय से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, या पढ़ाई से जुड़ा, या कोई और भी काम हो सकता है, जैसे कुछ नया सीखना। बिल्कुल, अगर किसी बच्चों को अगर ये नहीं करने मजा आया होगा एक्टिविटी, तो ये आप लिख सकते हैं, मुझे भी। बिल्कुल, आप अपना किसी को, हाँ मैं YouTube पर चैनल बनाना सीख रहा हूँ, ये एक्टिविटी करने मुझे बड़ा प्रयास है, बड़ा मेहनत की इस पर। ठीक है, कई बच्चे अभी भी कर रहे हैं इस पर, अच्छी बात है। इसने लिखा EMC के अलावा कोई ऐसा काम जो आप कुछ समय से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, सीखने का प्रयास कर रहे हैं क्या? मैं YouTube पर चैनल बनाना सीख रहा हूँ। बिल्कुल सही है। कई बच्चे को सफलता मिली होगी, कईयों को नहीं मिली, कईयों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, इसको किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से नहीं करते हैं, कौन से स्टेप लेने चाहिए, कौन से स्टेप नहीं लेने चाहिए। मैं तो YouTube कर रहा हूँ, कई बच्चे TikTok टकाटक बना रहे होंगे, मौज ऐप बना रहे होंगे। ठीक है, और कोई पबजी पर प्लेयर बन रहा होगा, कोई सब्जी बना रहा होगा। ठीक है, कोई इंस्टाग्राम पे रील बना रहा होगा। ठीक है, तो बुरा मत मानना जो मेरे को लगा वो लिखा। अब मुझे लगा ज़्यादातर यूट्यूब बना रहे होंगे, मैंने कई बच्चों को देखा, वो बच्चों को मतलब वो भी यूट्यूब चैनल बना के बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं अच्छे से। काफ़ी अच्छा लगा ये सब देख के, मैंने कईयों बच्चों को चैनल देख रखा है, कई बच्चे उस पर परमानेंट काम भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं उन चैनल को मैं सब्सक्राइब भी कर देता, लेकिन वो चैनल परमानेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे। जिस दिन मुझे दिखाई देंगे मैं उस चैनल खुद सपोर्ट करूँगा, पढ़ाई को चैनल को मैं हमेशा सपोर्ट करूँगा, हमेशा, लेकिन उस पर कंटिन्यू बच्चे अगर लगे रहेंगे तो। ये नहीं गए, एक महीने लगा अगले दिन छोड़ दिया, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं, सीखते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक मैंने भी एक नया चैनल बना रखा है, अब ये देख रहा हूँ ये कितने शांत स्वभाव से बैठे हुए बुद्धा जी हैं, और ये क्या सोच रहे हैं, बस शांत बैठना। चलिए अब 2 मिनट के लिए आँखें बंद करके ध्यान की गतिविधि करें। चलिए 2 मिनट आँखें बंद करिए। ठीक है, खोल लीजिए। अब 2 मिनट आँख बंद करके ध्यान से उस गतिविधि का अनुभव करने के बारे में सोचिए, आपको उस समय कैसा लग रहा था, आपने यह गतिविधि या काम अकेले किया था या किसी और के साथ, क्या आप इसमें एक ही बार में सफल हो गए थे या आपको 1-2 बार कोशिश करनी पड़ी थी। यदि हर कदम पर आपने जो सीखा उसे इस चार्ट पे लिखिए, जो सीखा आपने इस बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, और मुझे
उस समय अजीब महसूस हो रहा था। आप लिख सकते हो आपको उस समय काफ़ी डर लग रहा था, मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे शुरू करूँ। आपका अलग अलग तरीका हो सकता है, ये मेरा अपना है, फिर बता रहा हूँ मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको भी अजीब महसूस हो रहा होगा तो लिखिए, अजीब सा महसूस हो रहा था, मुझे उस समय अजीब महसूस हो रहा था और साथ में थोड़ा डर भी लग रहा था, यह काम मैंने अकेले किया था, ठीक है, मिलकर नहीं किया था, अकेले किया, दूसरे से तो डर लग रहा है सही होगा कि नहीं होगा। नहीं, एक बार में सफलता नहीं मिली थी, मैंने उस काम को कई बार किया, तब जाकर मुझे वह काम समझ आया, ठीक है। उस काम को मैंने कई बार किया, ऐसे करते हैं तब जाके हमें समझ में आता है। कोई भी चीज़ बाहर से देखने में काफ़ी सिंपल लगती है, जब उसे आप करने लगते हो तब पता चलता है अरे ये टेंगू से इतना पहाड़ कब बन गया, और जब चीज़ें वो समझ में आ जाती हैं तो पहाड़ सा फिर दोबारा सा टेंगू बन जाता है, ये देख कर काफ़ी मुझे मज़ा आता है। हाँ, मैंने सीखा यदि व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति हो तो वो किसी भी काम को किया जा सकता है। अच्छा, अगर व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति हो तो वो किसी भी काम को कर सकता है या किसी भी काम को किया जा सकता है। अगर व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति, अगर आपको सेंटेंस थोड़ा एरर लग रहा होगा तो ठीक कर लीजिएगा। अगर किसी भी काम को, अगर दृढ़ संकल्प है, इच्छा शक्ति है ना, तो आप उस काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। अगला है, और इसी लास्ट मैंने एक लाइन और लिख दी है, अब मुझे यूट्यूब चैनल बनाना आ गया है। वाह, चुटकी बजा के यूट्यूब चैनल बनाना आ गया है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। वाह वाह, हंस रहा हूँ मैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अब किसी का चैनल चुटकी में बना सकते हैं हम, ठीक है। तो पहले जो चीज़ पहाड़ लग रही थी, कैसे होगा, कहाँ लिखना है, फर्स्ट नाम, सेकेंड नाम, टाइटल, ठीक है, सर्च कैसे कराना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हमें आ चुका है और काफ़ी सिंपल लगता है, अब हम इसमें मास्टर बन गए हैं, मतलब मास्टर बन गए हैं आप भी, तो बहुत सारे बच्चे इसमें सीख भी गए होंगे, मुझे इस बात का अंदाजा है। पेज नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। पेज नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कुछ आपके खेल ऊपर नीचे करके दिए गए हैं, पहले देखते हैं आपके यहाँ पे क्या, हाई पॉइंट लो पॉइंट लो पॉइंट वन लो पॉइंट टू। तो शब्दों से लिखना इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत, इस गतिविधि या काम को करने से पहले मुझे कैसा लग रहा था। शुरू में कहा ना, अजीब लग रहा था, डर लग रहा था, मुझे शुरू में डर लग रहा था कि कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है, मुझे यही शुरू, कहीं गलती ना हो जाए, पूरा खराब हो जाएगा चैनल। लेकिन गलती इंसान, वही है, गलती इंसान करेगा तभी तो सीखेगा। मैंने 2-3 गलतियां की, तब जाके मुझे समझ में आया कि आपकी अगली बार कैसे रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो हाई पॉइंट 1 हाई पॉइंट 2 सबसे पहले देखता हूं मैं, पहले लो पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो लो पॉइंट देख लेते हैं पहले, जब इस गतिविधि को करने में कुछ गड़बड़ हुई या वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा मैंने सोचा था, तब मैंने क्या सीखा। किसी भी काम को जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब किसी भी काम को अगर आप सीख रहे हैं तो आप मास्टर बन के मत सीखिए, उस चीज़ को स्टूडेंट बन के सीखिए, ठीक है। जैसे कि अभी कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, गलती क्या होती है, ये रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि आपको लगता है आपको सब कुछ आता है, नहीं, जो भी काम अगर आप सीख रहे हैं तो जल्दीबाजी में नहीं, बिल्कुल 1 by 1 स्टेप सीखिए। जैसे कि कई बच्चों को अगर देखो लैंग्वेज सिखाई जाती है, कई बार 5th में 6th में पढ़ने वाले बच्चों को भी ABCD पढ़ाई जाती है, ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी में उसे क्या, उसे सीधे मतलब किताब ही पढ़ाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता ना, कोई भी स्टेप आपको 1 by 1 जाना पड़ता है, ठीक है। तो दूसरा, लगातार कोशिश करने के बाद भी जब काम ठीक से नहीं हो रहा था तब मुझे कैसा लग रहा था। अब देखो क्या, जब काम ठीक से नहीं हो पा रहा था तो सीन क्या है, ठीक है, मुझे ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, हाई लो करके बाद में मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था। जब मैं कई बार ठीक कर रहा था मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, ये काम हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरी गलती कहाँ पर हो रही है जिसे मैं ठीक कर लूँ, ठीक है। बार बार कोशिश कर रहा हूँ फिर फेल हो जा रहा हूँ, बार बार कोशिश कर रहा हूँ फिर फेल हो रहा हूँ, समस्या इस बात के लिए आ गई कि मुझे समझ में आ रहा है मेरी गलती कहाँ पर। अगर गलती समझ में आ जाती है तो उस एरर को मैं ठीक भी कर सकता था, बस इसी वजह से मैं थोड़ा सा दुखी हो रहा था। आप क्यों दुखी हो रहे थे इस वजह से भी बता सकते हैं, या उस काम कर करके आप थक गए थे, उस काम को करने में मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ ऐसे पॉइंट जो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब हाई पॉइंट्स जिसको करने में बहुत ही आनंद आ रहा था, जब सब मेरे अनुसार हो रहा था तब मैंने अपने बारे में क्या जाना, ठीक है। तो मैंने जाना कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है,
अब इस काम को करने में मजा आ रहा था, ठीक है। मैंने ये जाना कि मतलब कोई भी काम मैं मतलब कर सकता हूँ अगर मेरे अंदर इच्छा शक्ति है तो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहिए था मुझे ये कि अगर मुझे ये काम करने में बात ये सीखा कि मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ अगर उसे मैं करना चाहता हूँ तो, ठीक है। कोई भी काम कर सकते हैं यहाँ पे, अगर इस प्रकार से ले कोई भी मैं हर वो काम कर सकता हूँ जिसे मैं करने की संकल्प इच्छा कर लूँ। इस काम को करने में बड़ा मजा आ रहा था। हाई पॉइंट क्या है? कोशिश करते करते मैंने ऐसा क्या सीखा जिससे मैं काम में सफल होने लगा। कोशिश करते करते मैंने मुझे काम समझ आने लगा। सीधी सी बात है, जब काम समझ में आ जाए ना, कोई भी आप मैथ्स का सवाल लगाते हो, जब वो सवाल समझ में आ जाता है, जब आप लगाते जाते हो, आह आनंद ही आनंद ही आनंद। काम मुझे समझ आने लगा और पहले से अच्छा लगने लगा। वाह, पहले मैं सलमान खान तब शाहरुख खान महसूस करने लगा जिससे मुझे सफलता मिली। कहते नहीं वाट जावा, बाल अपने आप हवा में उड़ने लग जाते हैं जब कोई भी काम सफलता मिलती है। कि आप चैनल बनाओ, सर्च में लाओ, काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। किसी के लिए वो छोटी सी चीज़ होगी, किसी के लिए वो चीज़ बहुत ही बड़ी होती है, क्योंकि आपके लिए यूनिक है, क्योंकि आपने अपने हिसाब और अपने माइंड के हिसाब से किया है, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए आपके। नीचे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, अगर आप अपने अनुभव से सीखने के बारे में और जानना चाहते हैं तो आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। डिड यू नो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ सीखते समय अपना वीडियो बनाना, ठीक है। अगर आप अपने आप को और एनालाइज करना चाहते हैं, अपने आप को और समझना चाहते हैं, कुछ करते समय अपना वीडियो बनाना और बाद में उसका विश्लेषण करना आपको अपने बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकता है। मान लीजिए आपको पढ़ाना, अरे वाह प्यारे बच्चे, बहुत लोग आप भी पढ़ाते हो ना, तो आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसका वीडियो बनाएं, अपना ही वीडियो किसी और से बनवाएं। पढ़ाए या डांस करना या साइंस के एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है और आप इसमें बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। कुछ भी करिए, आप उसका एक वीडियो बनाइए। वीडियो बनाने के बाद जब उस वीडियो को एनालाइज करेंगे ना, तब आपको खुद पता चलेगा आप यहाँ गलती कर रहे थे, यहाँ गलती कर रहे थे। क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें अपनी गलतियाँ उतनी नहीं दिखाई देती। जब हम उसे दूसरे पहलू की नज़र से देखते हैं, जब अपने उस वीडियो में देखेंगे, तो आपको काफ़ी समझ में आएगा, हाँ यहाँ पर गलती कर रहे थे, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर ये करना चाहिए था, तो काफ़ी समझ में आता है। तो EMC की लास्ट वर्कशीट पेज नंबर 4 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। पेज नंबर 5 पर आते हैं। कुछ करना नहीं है इस सब पेजों पर, ठीक है। देखते हैं, टुमका लगा रहा है ये, ठीक है। आजकल तो यार इतने ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं कि उसे तो गा भी नहीं सकते यार, ठीक है। ये पढ़ाई वाला टीचिंग मस्त है, ये एक्सपेरिमेंट वाला भी मस्त है, दोनों अच्छे हैं। ये बच्ची एक्सपेरिमेंट कर रही है, ये मेरे ख्याल से लड़का होगा पढ़ा रहा होगा, अब ये नाच रहे हैं एक बच्चा। चलो, हाँ, इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है कि जब आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं, जब भी देखो अबे 6th और अच्छा 9th वाले बच्चे, आप भी तो ट्यूशन पढ़ाते हैं, मैंने देख रखा है। एक दो बच्चे जो ट्यूशन मतलब ऑनलाइन बच्चों को मैंने वर्कशीट कराते हुए देख रखा है, काफ़ी अच्छा करा लेते हो आप। जब कराएं या किसी को समझाएं या रिहर्सल करें, किसकी मूवी की, अभी नहीं कोई भी चीज़ बना रहे उसकी, या एक्सपेरिमेंट ट्राई करें, तो उसका वीडियो बनाएं। आप अपना 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाएं और बाद में उसे देखकर पता लगाएं कि आप क्या इच्छा कर रहे थे और आप क्या बेहतर कर सकते हैं। इससे आप खुद की फीडबैक दे पाएंगे और अपने अनुभव से लगातार सीख पाएंगे। यह बिल्कुल शीशे में देखने जैसा है, जिससे हमें पता लगता है कि आप कैसा लग रहा है, आपको मतलब कैसा लग रहा है। बिल्कुल, जब शीशे में करिए, कहने का मतलब उसे रिकॉर्ड कर लेंगे तो बार बार देखेंगे, उसमें एनालाइज कर सकते हैं, उसे ठीक कर एनालाइज करें, उसे ठीक किया जा सकता है। तो आप भी प्यारे बच्चों, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उसके आप वीडियो बना रहे हैं, तो उसे माई CBSE क्लास के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, मतलब डिस्क्रिप्शन में तो मैं ही दे सकता हूँ, कमेंट्स बॉक्स में आप लिंक दे सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, जो लिंक होता है वो आपका यूट्यूब उसे स्पैम कमेंट्स मान लेता है, तो उसे हटा देता है, शो होने नहीं देता। लेकिन अब की बार मैं कोशिश करूंगा सबके कमेंट्स शो हों, क्योंकि यूट्यूब की अपनी गाइडलाइंस होती है, वो किसी के लिंक्स को जल्दी नीचे आने नहीं देता, वो हटा देता है। तो मैं कोशिश करूंगा सबके लिंक्स यहाँ पे आए, ठीक है। और मैं देखना चाहूँगा कौन कौन व्यक्ति बना रहा है, नहीं कौन कौन बच्चा नहीं बना रहा है, कोई बात नहीं। वैसे यूट्यूब पे तो मतलब आपने कई बार देख रखा है, रील तो सभी बच्चे बनाते होंगे, नहीं लिपसिंग तो सभी बच्चे करते होंगे, ठीक है। तो सही है, अपना अपना सीन है अपना, ठीक है। CC की तरह हो सकता है, वीडियो बनाइए तभी आप उसे एनालाइज कर सकते हैं ना, कि ठीक भी बना नहीं बना। लेकिन साइंस एक्सपेरिमेंट और टीचिंग वाला अगर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो देख के, ठीक है। कई बच्चे, दो ही तीन बच्चे होंगे जो पढ़ाते होंगे, बाकी बच्चे तो बहुत ही बिजी है। अगर आप अपना वीडियो बनाएं तो हमें भी बताएं। अच्छा,
भैया पहले वाइस वीसी क्लास को नहीं, पहले ईएमसी बॉडी को बताना है। बताइएगा उसे देखकर आपने क्या सीखा। जल्द ही मिलते हैं स्कूल में, खूब सारी मजेदार ईएमसी गतिविधि के साथ। तब तक के लिए ईएमसी की पूरी टीम की तरफ से, तब तक ईएमसी से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, अगर ईएमसी को फॉलो करना है तो ये है, अगर आप फेसबुक पे माई सीबीएससी को फॉलो करना चाहते हो तो माई सीबीएससी CLASS क्लास सर्च करेंगे तो आप फेसबुक पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी माई, ठीक है, CBSCCLASS, ठीक है, सर्च करेंगे तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों मिल जाऊंगा। ट्विटर पे मैं नहीं हूँ, ये EMC वाले हैं। यूट्यूब पर, यूट्यूब पर तो वीडियो ही देख रहे हो यार, ठीक है, ठीक है। Oh,